हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा में हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली हुई है, कमांडो विंग की, यानी कमांडो की भर्ती है कॉन्स्टेबल के पदों पर, और इसके अंदर 520 वैकेंसी है। ये भर्ती 2016 में निकली थी दोस्तों, और 2016 में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। 2016 में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था और फिर उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। 18 से 21 साल उस टाइम एज थी फार्म भरने की, और दोस्तों अब ये भर्ती दोबारा से निकली है, अब भी 18 से 21 साल उम्र है, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जिन्होंने 2016 में अप्लाई किया था वे बच्चे अब एलिजिबल नहीं हैं, और ना ही नोटिफिकेशन में उनके बारे में कोई बातचीत कही गई है। वैसे तो नॉर्मली जो आम भर्तियां होती हैं उनमें यदि कोई भर्ती कैंसिल हो जाती है, आगे वो भर्ती दोबारा निकलती है, तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको एज में छूट दी जाती है या फीस में भी छूट दी जाती है। लेकिन इस भर्ती में, कमांडो की जो भर्ती निकली हुई है, इसमें ऐसी कोई भी छूट नहीं दी गई है, और इसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हैं, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, तो यहाँ पर बच्चे HSSC चेयरमैन साहब से मिले हैं, और चेयरमैन साहब के को क्या लिख के दिया गया है, क्या लेटर भेजा गया है, वो आप एक बार देख लीजिए। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आप CET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऐप पर CET का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। तो इसकी फ़ीस दोस्तों मात्र 999 रुपये है, 80% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो ये ऑफ़र 20 जून रात 12 बजे तक है। लाइव बैच होगा, पूरा कोर्स होगा, सभी सब्जेक्ट होंगे। आप किसी भी सहायता के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एज में छूट मिलने के लिए रिक्वेस्ट की गई है HSSC ऑफिस में, और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 5-10 बच्चों से नहीं होगा। यदि आप भी इनका साथ देते हो, यदि आप भी ऐसे बच्चे हो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आपने 2016 में अप्लाई भी किया था, आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको भी फार्म भरने का मौका दिया जाए, तो आप क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ भी उस ग्रुप में, ये मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं उन बच्चों का नंबर है वो शेयर कर दूँगा, या उनका व्हाट्सअप नंबर है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला हरियाणा, विषय हरियाणा पुलिस कमांडो विंग में एडवर्टाइजमेंट दिस वाले आवेदकों को एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस के आवेदक 2/2021 के आवेदकों के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2016 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2016 के तहत विज्ञापन जारी करके हरियाणा पुलिस कमांडो विंग के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत चयन आयोग ने भर्ती को 21/6/2017 को रद्द कर दिया था। अब वर्ष 2021 में चयन आयोग ने दोबारा से एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 के तहत विज्ञापन जारी करके दोबारा से आवेदन मांगे हैं, जिससे 2016 में एडवर्टाइजमेंट 2/2021 के तहत आवेदन करने वाले आवेदक बिना किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए ही अयोग्य साबित हो जाएंगे। श्रीमान जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जिन आवेदकों ने एडवर्टाइजमेंट 2/2016 के तहत अपना आवेदन किया था, उन आवेदकों के एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कृपया हमारी इस प्रार्थना को अति आवश्यक समझा जाए, आपकी अति कृपया होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये उन बच्चों के नाम हैं जिन्होंने ये प्रयास किया है, ठीक है। इन बच्चों ने क्या 2016 में जब ये भर्ती निकाली थी उसके लिए अपना फार्म अप्लाई किया था, और इनको अब एज में, इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, एयर सरकार के द्वारा एज में छूट नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए। यदि आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आप भी इन बच्चों से जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अपने नॉलेज टीवी देसी ताऊ वाला, वहाँ पे इन बच्चों से जो भी कॉन्टैक्ट हो पाएगा वो नंबर मैं शेयर करूँगा, और ऑलरेडी ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में जो इसके लिए प्रयास करें। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 5-7 बच्चों से कुछ भी होने वाला नहीं है, यदि कभी हो गया तो दोस्तों ये आप जैसे
हज़ारों बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे तब ये कुछ काम होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इनको और इनका साथ दें कि आपके एक छोटे से प्रयास से बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। ठीक है, और देखो मैं भी चाहता हूँ कि इनको एज में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों देना ना देना सरकार का काम है, लेकिन रूल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा करेगी। और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा, HSSC CET बैच पर 80% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बेहतरीन कोर्स को। लाइव बैच रहेगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।